जी विजय जी, आपके रडार पे और कोई स्टॉक्स इंट्राडे और पोजिशनल? या सो मैडम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक काफी साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अभी एक नया एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें 15-20% का मूव हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर करेंट फेस पे बाय रहे, जो स्टॉप लॉस है वो मैं 285 का लेके चलूंगा। और एक जो पिक जिसपे थोड़ा सा ध्यान है, जिसमें मैं डेरिवेटिव्स के नजरिए से मैं लेना चाहूंगा, मन्नापुरम पे मेरा व्यू है। मन्नापुरम में हालांकि रिजल्ट्स के बाद उसमें करेक्शंस आए थे, और आज के दिन में एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 150 के प्राइस पे काफी सारे पुट राइटर्स ने अपने पोजीशंस काफी अच्छे वहां पे बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 150 का जो लेवल है वो रेस्पेक्ट कर जाएगा। कोई ट्रेडर है, किसी को अगर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है, तो मुझे लगता है 150 का कॉल ऑप्शन जो 5.5-6 रुपए के करीब चल रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाउंस के लिए ऐसे कुछ यहाँ से 1 वे का वगैरह मूव नहीं है, लेकिन 6 रुपए का चीज आपको 10 रुपया का हो सकता है, 10-11 रुपये बन सकता है। तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मन्नापुरम के 150 के कॉल ऑप्शन में दिखता है।